हाय फ्रेंड्स, हमारे देश की संस्कृति बहुत ही प्राचीन है। हमारा देश परंपराओं का देश रहा है। यहाँ शादी विवाह को भी धार्मिक अनुष्ठान के रूप में देखा जाता है। कोई भी जाति धर्म मजहब हो, शादी विवाह को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, पर्व के रूप में मनाया जाता है, बहुत ही धूमधाम तरीके से मनाया जाता है। लेकिन दोस्तों, जो अमीर वर्ग है उन्हें तो कोई दिक्कत आती नहीं, परंतु जो गरीब वर्ग है उन्हें दिक्कतें आती हैं। बहुत ही धूमधाम तरीके से वह अपने बच्चों की शादी नहीं कर पाते, तो ऐसे में सरकार इन लोगों की मदद करती है ताकि इनके भी सपने पूरे हो सके। इसके लिए सरकार द्वारा बहुत सारी स्कीम चलाई गई है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, पिछड़ा वर्ग विभाग में एक स्कीम है जिसमें शादी अनुदान हेतु 20,000 रुपये की मदद दी जाती है। दिव्यांग विभाग में 15,000 से लेकर 35,000 तक की निःशुल्क सहायता दी जाती है। श्रम विभाग में 55,000 से लेकर 61,000 तक की मदद दी जाती है। और एक ऐसी ही स्कीम है सामूहिक विवाह योजना, यह समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाई जाती है और इसमें 51,000 की मदद दी जाती है। दोस्तों, आज हम इसी सामूहिक विवाह योजना के बारे में जानेंगे। आपने देखा होगा, हमारे जो ब्लॉक होते हैं, तहसील होती है, नगर पालिका होती है, वहाँ बहुत ही भव्य तरीके से जोड़ों में शादी कराई जाती है। 100-200 की संख्या में जोड़े होते हैं और उसमें हर जाति धर्म के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी जाति धर्म के जो जोड़े होते हैं वह पार्टिसिपेट कर सकते हैं और करते हैं। दोस्तों, उसमें जो हमारी हिंदू धर्म की जो कन्याएं होती है उनको अलग से व्यवस्था होती है, वहाँ पंडित होते हैं और सामूहिक रूप से उनको फेरे दिलाए जाते हैं। ऐसे ही जो हमारे मुस्लिम वर्ग की कन्याएं हैं उनके लिए अलग व्यवस्था होती है, वहाँ मौलवी काजी होते हैं और उनको कलमा वगैरह पढ़ाया जाता है। दोस्तों, इस भव्य आयोजन में वहाँ मिष्ठान वगैरह की भी सुविधा होती है और जो वर पक्ष हैं, वधू पक्ष से हैं, वहाँ लोग आते हैं और लड्डू, पूरी, मेवा, सब तरह के मिष्ठान वहाँ दोस्तों बनाए जाते हैं और एक बहुत ही भव्य तरीके से वहाँ बाजे गाजे डीजे के साथ शादियाँ होती है। दोस्तों, इसमें जो हमारी शादी अनुदान की स्कीम है, इसमें ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और हमारी जो जातियाँ होती है, OBC, SC, ST, सभी वर्ग की जो हमारी कैटेगरी हैं, सभी हमारे जो धर्म हैं उनके परिवार की कन्याएं जोड़े इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें दोस्तों 51,000 की जो मदद दी जाती है वो कैसे कैसे दी जाती है। इसमें 35,000 रुपया शादी होने के बाद एक हफ्ते के अंतर्गत जो कन्या है उसके अकाउंट में डाल दिए जाते हैं और बाकी जो इसमें 10,000 रुपये हैं उनकी उपहार सामग्री होती है। विवाह उपहार सामग्री में जैसे हमारे कपड़े होते हैं लड़का लड़की दोनों के, और उसमें जो कुछ बर्तन होते हैं, कुछ गहने वगैरह होते हैं, उनकी मदद दी जाती है। और जो शेष 6,000 रुपया है वह जो वहाँ बहुत ही भव्य आयोजन होता है उसमें वह व्यय होते हैं। तो इस तरीके से 51,000 की इसमें टोटली मदद होती है। इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, क्या क्या पात्रता होनी चाहिए, ऑनलाइन आवेदन की अभी इसमें व्यवस्था हो गई है और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और हम आवेदन कैसे कैसे कर सकते हैं, क्या उसकी प्रक्रिया है और तमाम तरीके की इसमें चीज़ें हैं वो मैंने अलग अलग वीडियो में बनाई हैं, अलग अलग उनके पार्ट हैं, तो आप दोस्तों जानकारी के लिए वह सब देख सकते हैं। धन्यवाद।